हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस प्लेन सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये हमारा नॉर्मली साइज होगा। कपड़ा हमारे पास 5 मीटर है, लेकिन हम इसमें से कुर्ती कट करेंगे। पहले देखो, कपड़े को हर बार की तरह से फैला लेना है और इसको हम एक साइड से ऐसे फोल्ड लगाएंगे। ये फोल्ड हम हिप के हिसाब से लगाएंगे। कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। उल्टा साइड है हमारा, अंदर की तरफ में रहेगा। जो हम निशान लगाएंगे वो सभी उल्टे साइड में लगाएंगे। और ये वाला फोल्ड देखो हमने कितना लगाया है। इनकी हिप है 37 37 इंच। उसका हमने चौथा भाग जो निकाला हमारा आया 9.25 इंच। तो उसका चौथा भाग हम रखेंगे 9.25 इंच पे, और इसमें हम एक्स्ट्रा रख देंगे तुरपाई फोल्ड के लिए 2 इंच। तुरपाई फोल्ड के लिए आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, क्योंकि हमें इसमें साइड में पाइपिंग लगाएंगे तो हल्का हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और ये किनारी है हल्का, इस किनारी को हम निकाल देंगे। पहले हम इसके ऊपर के निशान लगाएंगे और इसका नाप समझेंगे। यहाँ से देखो, हम कपड़े को ऐसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा जो तिरछा कपड़ा होगा इसको हम कट करके निकाल लेंगे। ये इनका नाप होगा। शोल्डर है 12 इंच 12 इंच, चेस्ट है 32, उसमें हमने 3 इंच की लूजिंग डाली है। कमर है 28, इसमें भी हमने 3 इंच की लूजिंग डाली है। हिप है 34, इसमें भी हमने 3 इंच की लूजिंग डाली है। आगे का गला हम 7 इंच रखेंगे, पीछे का 6। लंबाई तैयार 40 इंच रखेंगे, बाजू की लंबाई 16 और उसकी जो ओपनिंग होगी वो 10 इंच रखेंगे। ठीक है, तो 3 इंच की लूजिंग के बाद हमारा है 35 31 और 37, 35 31 और 37। इनका हमने फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे निकाल के रखा है, तो इसी मेजरमेंट पे हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। इंच टेप को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। लंबाई है इनकी 40 इंच 40, उसमें 1/2 इंच हम प्लस करके एक निशान लगा लेंगे। इस लाइन को भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे और एक्स्ट्रा हम तुरपाई फोल्ड के लिए भी ऐसे रख लेंगे। यहां से हम आर्महोल रखेंगे 7 इंच, कमर रखेंगे 14 इंच पे, हिप खोलेंगे इनके 20.5 इंच पे, और सभी निशानों को देखो हम सीधा कर लेंगे। इस कुर्ती में देखो हम प्लेट डालेंगे, जो पीछे के हिस्से में और सामने के हिस्से में टक्स डालते हैं इधर कमर पे, तो ये प्लेट वाली कुर्ती हम बनाएंगे। अभी देखो इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। इनकी जो मेन चेस्ट है वो है 35 इंच 35 35 का हम चौथा भाग निकालेंगे तो आएगा हमारा 9.25 इंच। 9.25 इंच पे इधर निशान लगा देंगे। ये 9 इंच में 2 पॉइंट कम यहाँ पे लगाएंगे। कमर है इनकी 31 31 31 का हम चौथा भाग निकालेंगे तो आएगा हमारा 8.5 इंच। 8 इंच में 2 पॉइंट कम यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। हिप है इनकी 37, उसका हम चौथा भाग निकालेंगे तो आएगा हमारा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। सभी निशानों को आपस में ऐसे मिला लेंगे। अभी यहाँ पे देखो इनका घेरा जो हम रखेंगे वो भी हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। जितना हमने हिप के ऊपर रखा है इतना हम घेरे पे भी रख देंगे, 9.25 इंच। इन निशानों को भी आपस में ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पे देखो हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि साइड में हम पाइपिंग लगाएंगे और ये हल्की किनारी को कट करके निकाल लेंगे। अभी देखो हम ये प्लेट वाली कुर्ती बनाएंगे। तो प्लेट वाली कुर्ती के लिए इसमें हम पीछे हिस्से में टक्स डालेंगे। तो पीछे हिस्से में अगर हमें टक्स डालनी होती है तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, क्योंकि कमर का साइज थोड़ा कम है। इसीलिए यहाँ पे जब हम फिटिंग लगाते हैं तो थोड़ा गड्ढा टाइप हो जाता है, इसीलिए हमें टक्स डालनी होती है। ठीक है, तो ये हमने 1/2 इंच इसका एक्स्ट्रा ले लिया। अब इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। यहां से हम इस साइज में 3.25 इंच रखेंगे। ऊपर की साइड जो हम रखेंगे 3.5 इंच, नीचे रखेंगे 4 इंच। यहां से भी हम सेम 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे।
ये टक्स टोटल हमारी 1 इंच की होगी, तो हाफ इंच मार्जिन इधर रखेंगे, हाफ इंच इधर। ये मैं आपको सुलटी साइड निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये हमारा सामने वाला हिस्सा है, लेकिन सेम निशान हमें पीछे वाले हिस्से में लगाने हैं। ये हमारी टक्स इस तरीके से आएगी। तो ये हमारी टक्स का भी हो गया। अब इसका हम फ्रंट रखेंगे। इसका जो हम फ्रंट रखेंगे वो 6.25 इंच रखेंगे। 6.25 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच, क्योंकि पीछे का गला हमारा 6 इंच खुला होगा, तो शोल्डर भी हम 6 इंच ही रख लेंगे। इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब इस साइज में हम गले की चौड़ाई जो रखेंगे टोटल 5.5 इंच, तो 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहां से हम कंधे डाउन कर देंगे। इधर आर्महोल की शेप दे देंगे। सामने का गला देखो, हम इनका 7 इंच पे रखेंगे, तो 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूं। इसको कटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि इसको हम बुकरम के ऊपर बनाएंगे। ऐसे गले की शेप दे देनी। आप कोई भी गले की शेप देना, मैं आपको राउंड गले की शेप देके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमारे सामने के निशान हो गए। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए थोड़ा कपड़ा ले लेंगे। ये हमारा सामने का भाग कट हो गया। अब इसका हम पीछे का पार्ट कट करेंगे। ये पीछे के हिस्से के लिए भी देखो, हमने कपड़े को इसी तरीके से फोल्ड किया है जैसे पहले वाले को फोल्ड किया था। बंद वाला भाग इस तरफ रहेगा, खुला वाला भाग इस तरफ रहेगा। अब सामने वाले हिस्से को लेंगे और इसके ऊपर में अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसके पीछे के हिस्से के निशान लगाएंगे, तो हम यहाँ से चेक करेंगे ये हमारा कितना है। 1 इंच 2 पॉइंट, 1 इंच 2 पॉइंट हम यहाँ भी रख लेंगे। और पीछे वाले हिस्से को हम हमेशा 1/2 इंच उठा के कट करते हैं, तो 1/2 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। ये वाले निशान को हम यहाँ पे मिला लेंगे। यहां से एक बार चेक करेंगे, हमारा 6 इंच है। ये देखो हमारा 6 इंच यहाँ पे है। अब इसको हम ऐसे आर्महोल की शेप दे देंगे। इधर हमारा ये फिटिंग का निशान होगा, तो इसके साथ में इसको ऐसे मिला देंगे। बाकी इसका सेम रहेगा, उसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। इसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। पीछे के गले के लिए भी देखो, ऐसे सेम निशान लगा लेना है। जितने आपकी गले की लंबाई है उसी के हिसाब से आपको ऐसे निशान लगाना है, और फिर गले की ऐसे शेप दे देनी है। गले को मैं कट नहीं करूंगी, क्योंकि इसको मैं बुकरम के ऊपर बनाऊंगी, तो मैंने आपको निशान लगा के दिखाया है। यहाँ पे देखो कट लगा देंगे। ये हमारा जो एक्स्ट्रा तुरपाई में जाएगा उसके लिए एक हिप के ऊपर भी कट लगाएंगे। अभी देखो सेम निशान हम पीछे वाले हिस्से में भी ऐसे छाप लेंगे। पहले कमर की जगह निशान लगाना है, क्योंकि प्लेट हम पीछे वाले हिस्से में ही डालेंगे। इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। यहां से रखेंगे 3.25 इंच, 3 इंच 2 पॉइंट। ऊपर से रखेंगे 3.5 इंच, नीचे रखेंगे 4 इंच। ये हमारी टक्स की लंबाई होगी। और यहां पे भी 1/2 इंच इधर से ले लेंगे, 1/2 इंच इधर से ले लेंगे। जो टोटल टक्स के लिए जो हमारा मार्जिन होगा 1 इंच का होगा।
सेम तरीके से देखो हम इधर भी छाप लेंगे क्योंकि पीछे वाले हिस्से में ही हमें टक्स डालनी है। तो ये हमारे दोनों भाग कट हो गए। अब इसके हम बाजू कट करेंगे। ये बाजू के लिए कपड़े को हमने इस तरीके से डबल किया है और सुलटा हिस्सा इसका भी हम अंदर की तरफ में ही रखेंगे। तो ये हमारे एक फोल्ड हो गया। अब दूसरा वाला फोल्ड हम इस तरीके से लगाएंगे। देखो पहले बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई है हमारी 16 इंच, तो उसमें हाफ इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम 1/4 इंच तुरपाई फोल्ड के लिए रख लेंगे। यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच पे और यहाँ से इस साइज में रखेंगे 7.5 इंच पे। एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन रख लेना है। सेम निशान इधर लगाएंगे और इधर आरमोल के ऐसे सेप दे देंगे। मोरी है इनकी 10 इंच, तो उसका हाफ करके रख लेंगे 5 इंच। इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे और इतना हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे। इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे एक कट लगा देंगे, एक फिटिंग की जगह भी ऐसे कट लगा देंगे। देखो जो हमारी बाजू जब अटैच होगी तो हमारी इसी निशान के ऊपर आनी चाहिए। हल्की फुल के अंदर आ सकती है, थोड़ी बाहर भी जा सकती है। अगर आपसे थोड़ी गड़बड़ भी होती है तो हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इसकी फिटिंग कर दो तो आपकी ये बाजू बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी। अभी दो हिस्से लेंगे इसके और यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे छटाई दे देंगे। ये बाजू भी कट हो गई। ये सूट की कटिंग देखो हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।